फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ पुट वाले पांच फ्रेज वर्ड, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सभी फ्रेज वर्ड हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ हम इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इस वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। जैसे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't put up with this, यानी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी बेइज्जती को कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Who can put up with such an insult, यानी ऐसी बेइज्जती को कौन बर्दाश्त कर सकता है। Put down का मतलब होता है लिख लेना। जैसे अगर आपको कहना हो कि लिखो जो मैं कहता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Put down what I say। अगर आपको कहना हो कि यहाँ मोबाइल नंबर लिखो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Put down your mobile number here। Put on का मतलब होता है बिजली का जलाना या मोमबत्ती जलाना। जैसे, बल्ब जलाओ, पुट ऑन द बल्ब। मोमबत्ती जलाओ, पुट ऑन द कैंडल। अगर आपको कहना हो कि लाइट जला दो, मुझे पढ़ना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज पुट ऑन द लाइट, आई हैव टू रीड। फ्रेंड्स, पुट ऑन का एक मतलब कपड़ा पहनना भी होता है। जैसे, मैं हमेशा सादा कपड़ा पहनता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑलवेज पुट ऑन सिंपल ड्रेस। एक डॉक्टर हमेशा सफेद कपड़ा पहनता है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे और डॉक्टर ऑलवेज व्हाइट ड्रेस। आइए फ्रेंड्स, लास्ट फेज वर्ड देखते हैं। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जैसे, अगर आपको कहना हो कि मोमबत्ती को बुझा दो, तो आप कहेंगे पुट आउट द कैंडल। बल्ब को बुझा दो, पुट आउट द बल्ब। लाइट बुझा दो, पुट आउट द लाइट। चूल्हे को बुझा दो, पुट आउट द स्टोव। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी फेज वर्ड्स शानदार तरीके से समझ में आया कि कौन सा फेज वर्ड्स कब इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।